हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नर्सरी की सैर करवाऊंगी। मैंने शॉपिंग दिखाई थी, प्लांट्स क्या क्या मैंने परचेज किए हैं। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नर्सरी है। ये बाहर उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं और ये एक शेड बनाया हुआ है, ग्रीन हाउस की तरह ही है ये। कुछ जालियाँ भी वेंटिलेटर टाइप लगाई हुई हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन उसके बाद माइंड से निकल गया कि मुझे अपलोड करनी है। और बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर, बहुत से तो स्पेसिमेंस ही रखे हुए हैं उन्होंने स्टडी के लिए। और सबके नीचे बड़ा अच्छा काम किया है कि हर एक प्लांट के नीचे इन्होंने नाम लिख दिए हैं। ये बेगोनिया, यहाँ पर मैं हर बार आती हूँ तो इसी तरह देखती हूँ, खूब बड़े बड़े प्लांट्स हैं बेगोनिया के और बड़े अच्छे से फ्लरिश करते हैं। आयरन क्रॉस बेगोनिया लिखा है इन्होंने, ये पोल्का डॉट प्लांट लग रहा है। तो लेकिन हर एक के नीचे इन्होंने नेम्स तो लिखे हुए हैं। आयरिस लिली है ये नाम लिखने से ये होता है कि हम अपने आप पहचान लेंगे, अपने आप देख लेंगे कि कौन सा प्लांट किधर रखा हुआ है। ये जो नीचे प्लांट्स रखे हैं ये इन्होंने सेल करने के लिए रखे हैं, बाकी ये स्टेप्स के ऊपर जो प्लांट्स हैं ये सभी स्पेसिमेंस हैं और काफ़ी इनकी ग्रोथ हुई है, बड़े बड़े से प्लांट्स हैं। तो इनको ये सेल नहीं करते हैं, बाकी सभी प्लांट्स को ये सेल करेंगे जो नीचे नीचे रखे हुए हैं पॉली बैग्स में हैं, छोटे छोटे कार्नेशंस हैं। आप साथ साथ इनसे नाम भी पूछ सकते हैं, तीन चार लोग होते हैं यहाँ पे, तो वो आपको नाम भी बता देंगे और वो कैसे वेदर में होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सभी चीज़ें आप इनसे पता कर सकते हैं। ये एस्पैरेगस भी था, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो आप सभी को एंजॉय कीजिए। या आगे अजेलिया पड़ा है, इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है लेकिन दूसरी जगह अजेलिया रखा था, वहाँ बड़े सुंदर फ्लावर्स थे, इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स लगे हुए थे। तो बाहर भी इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पूरे बेड्स हैं फ्लावर्स के, क्यारियाँ बनाई हुई हैं दूर दूर तक, पॉली हाउसेस भी बनाए हुए हैं। इस अजेलिया में देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इसमें, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप साथ 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 देखते जाएँ सभी प्लांट्स को और इनकी ब्यूटी को एंजॉय करें। यहाँ पे फर्न्स की तो बे इंतहा वैरायटी थी, बड़ा अच्छा वेदर होता है यहाँ पे, तो फर्न्स होती ही बहुत हैं यहाँ पे। जरबेरा देखो कितना सारा लगाया हुआ है, ये सभी प्लांट सेल के लिए हैं, जो नीचे सभी पड़े होंगे वो सभी सेल के लिए होंगे। ये फर्न्स देखो कितनी सारी फर्न्स हैं और बहुत सारे सकुलेंट्स भी थे, तो मुझे तो बहुत तो पता ही नहीं चला कि मुझे कौन से प्लांट खरीदने हैं कौन से नहीं खरीदने, कईयों के मुझे नाम भी नहीं पता चल रहे थे। पर यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो दे आर वेरी कॉर्डियल पीपल, उन्होंने बिना झिझक उन्होंने पूरी हेल्प करने की कोशिश की, उन्होंने हर एक प्लांट का नाम बताने की कोशिश की, कौन सा कैसे वेदर में होता है ये सभी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की। तो यहाँ फर्न्स देखो कितनी सारी लगी हुई हैं ऊपर, ये मुझे पीस लिली लग रहा है और उस टाइम मुझे नज़र ही नहीं आया कि यहाँ पे ये भी है प्लांट, ये एल्युमिनियम प्लांट है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं कि तो मैं पहचान नहीं पा रही अब कौन से प्लांट्स हैं। तो आप सभी की ब्यूटी को एंजॉय करें। ये बड़े बड़े ट्री लाइक प्लांट्स भी हैं और पाम्स भी हैं, बहुत हर एक तरह का प्लांट है यहाँ पर, इवन ऑर्किड्स भी हैं, कैक्टस भी यहीं पे रखे हुए हैं इन्होंने, जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जो स्पेसिमेंस हैं इन्होंने रखे। Thank you.
एक ये यूनिक प्लांट देखा मैंने एरोकेरिया के आगे जो रखा है, ये कैलेंचो या कैलेनकोई प्लांट जो होता है, ये नाम लिखा था इसके नीचे। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मैंने ट्री लाइक प्लांट देखा जिसका नाम कैलेंचो या कैलेनकोई हो। और ये एयर प्लांट्स थे सभी, इनमें फ्लावरिंग भी हो रही थी। ये आईवी क्रीपर है और ये पेपरोमिया लिखा है, इसमें पेपरोमिया प्लांट्स हैं या जिसे बेबी रबर प्लांट बोलते हैं। ये टर्टल वाइन्स थी दोनों तरह की, एक पर्पल वाली और एक सिंपल टर्टल वाइन। कैलेथिया प्लांट में फ्लावरिंग हो रही थी, साइड में पाइन कोन की तरह कोन टाइप कुछ निकला हुआ और उसमें छोटे छोटे से पर्पल से फ्लावर हैं और कोन जैसा जो स्ट्रक्चर है उसका भी अच्छा कलर है। तो ये बड़ा प्लांट बन गया हुआ है और इसकी साइड में आपको एक साइड में बेबी रबर प्लांट भी नज़र आएगा वेरीगेटेड वाला, और वो काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट, अच्छी हेल्थ में है ये प्लांट। ये बाहर वाला पोर्शन है, यहाँ गजानिया इतने खूबसूरत रंगों में था, इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती। और इतने सारे पॉलिनेटर्स थे इनके ऊपर, इतने फूल होंगे तो पॉलिनेटर्स तो होंगे ही। और यहाँ पर भी इन्होंने उसी तरह से किया हुआ था, हर एक जो क्यारी बनाई थी उसके आगे इन्होंने नेम लगा दिए थे, ऑर्नामेंटल चिलीज हैं तो इसके आगे लिख दिया। और ये कॉक्सकॉम जिसको बोलते हैं वो है, तो इसके आगे भी लिखा है। तो इस तरह हर एक के आगे अगर आप देखें तो हर एक के आगे, यहाँ बालसम के आगे बालसम लिखा है, हर एक ही क्यारी के आगे इन्होंने लिखा था कि कौन सा प्लांट है ये सिलोशिया। और नाम सभी के आगे लिखे हुए थे, जीनिया के बहुत सारे बेड्स जीनिया के थे, कोई मीडियम था कोई हाई था, जिसकी हाइट ज़्यादा थी कोई स्मॉल वाले थे, तो इस तरह हर एक के आगे लिखा हुआ था। सनफ्लावर्स थे, सनफ्लावर्स के सीड सुखा रहे हैं एक साइड में, और गेंदा का प्लांट भी लगा हुआ है, क्लियोम है इसके बाद, ये क्लियोम की क्यारी है। तो हर तरह के प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, फ्लावरिंग वाले भी खूब सारे लगे हुए हैं।